हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एम द्रव्यमान का एक गुट का एम कैपिटल एम द्रव्यमान के दूसरे गुटके से एक हल्की रस्सी द्वारा जुड़ा है। गुटके चिकने क्षैतिज तल पर रखे हैं। प्रारंभ में गुटके ब्राम पर हैं, ठीक है। तब एक नियत बल एफ एम द्रव्यमान के गुटके को खींचने के लिए इस पर लगता है। तो स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके पर बल ज्ञात करो। हमसे देखिए बोल, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, हमसे बोला गया है एक स्मॉल एम द्रव्यमान का गुटका बड़े एम द्रव्यमान के गुटके से एक रस्सी द्वारा जुड़ा है, हल्की रस्सी द्वारा। और जो हमारा कैपिटल एम द्रव्यमान है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, और पूरा का पूरा ये हमारा निकाय सिस्टम कहाँ रखा है, क्षैतिज तल पे, जो कि घर्षणहीन है। तो हमें पता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार नियत बल एफ नेट बराबर क्या होता है, पूरे निकाय का मास गुणा निकाय का त्वरण। तो एफ नेट कितना दिया है हमें, एफ बराबर पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम गुणा ए। तो यहाँ से निकाय का त्वरण ए बराबर कितना आ गया, एफ बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये हो गया हमारे पूरे के पूरे निकाय का त्वरण। अब हमें निकालना है एफ स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके पर बल। तो अगर हम स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके का सरल वस्तु आरेख या मुक्त वस्तु आरेख बनाएं, तो इस पे मान लिया हमने टी फोर्स लग रहा है, टी बल लग रहा है, और ये क्या हो रहा है, दाई ओर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। एक्सेलरेशन का मान अभी हमने देखा कितना है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार इस पे लगने वाला नियत बल क्या होगा, इसके द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होगा। बल कितना लग रहा है इस पे, टी। इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, और इसका त्वरण कितना है, एफ बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो यहाँ से टी का मान आ गया स्मॉल एम एफ बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।